सांवरिया में तेरे दर्श की, ओ प्यास बढ़ाए बैठी हो, और लंबी लंबी आहों का श्रृंगार सजाए बैठी वो। नयनों से मोती झरते हैं, उपहार चढ़ाए बैठी वो, उपहार चढ़ाए बैठी हो। तो आजा सवरिया, आजा रे सवरिया, आजा रे ओ सवरिया, आजा रे सवरिया, आजा रे। मेरे श्याम जो मैं होती बन की कोयलिया, प्यारे का चरावन आते दरस कर लेती रे मोहन। कोयलिया प्यारे काय चरावनवाते दरस कर लेती रे मोहन। आजा सवरिया, आजा रे सवरिया, आजा रे, आजा सवरिया, आजा रे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्तूयते श्रुतिगणैर निपुणैरजस्रम, संपूज्यते क्रतुगतये प्रणतये क्रियाभिः, तम सर्वकर्म फलदम निज सेवकानां श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचकीं तस्य शेषम्। श्रीकल विहारणे नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ब्रह्म संगीताय नमो नमः। शब्द वाङ्मय स्वरूपणे नमो नमः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्वे पद्भ्यां प्रियाया,
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम ब्रजत पथ रुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्याचुरपणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदब दहन कौशलेन्द्रो बतान्नः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः चंदनम चर्चयामि लेपयामि परिशोभयामि यत पाताब्जनखोदकं त्रिजगतां पापोग विध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसार संतारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रि पद्मरजसा सापान्मुनेर्मोचित आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं निवेदयामि प्रणमामि नमस्करोमि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेको मध्यात्मदीप्तमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासोऽनुमुपयामि गुरु मुनीनां परम गुरुवे नमः परमेष्ठी गुरुवे नमो नमः श्री सुखदेवाय नमो नमः परमहंसाय नमो नमः परिव्राजकाचार्याय नमो नमः ध्यानार्थे पुष्पं निवेदयामि एक तंत्रेण सर्वोपचारार्थे गंधादिभिः संपूज्य मनसोपचारी प्रणमामि नमस्करोमि ओम श्री शते लक्ष्मी शपथन्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपतनो व्यातम वायुष्णानि खाणा मुंबई खाणो सर्वलोकां मयिकाण हरिप्रियायै नमो नमः विष्णुवल्लभायै नमो नमः प्रेयसै नमो नमः श्री तुलस्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थे अर्घ्यं निवेद्यामि गंधादिभिः संपूज्य प्रणमामि नमस्करोमि हनुमद्देवस्य पूजनं स्मरणं शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमलिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देहं करुणाकरं रघुबरं भोपालचूडामणिं राम भक्तंजनी नंदन संकट मोचन हनुमद्देवाय नमो नमः श्री शालाधर हनुमद्देवाय नमो नमः मनसोपचारी प्रणमामि नमस्करोमि व्यास विष्णु स्वरूप पूजनं ध्यानं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः व्यासाय नमो नमः विष्णुस्वरूपणे नमो नमः ध्यानार्थे पुष्पं निवेदयामि करकमलेभ्यो नमो नमः तिलकं अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्त निबद्धनी बिबिलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृतिः प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्ता अर्जुनोऽभूत् इन्द्रोन्वादीन् मृदङ्गं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव प्रणमामि नमस्करोमि द्रव्यदक्षिणां निवेदयामि प्रणमामि नमस्करोमि सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्रीमद्भागवत जी के चतुर्थ दिवस की इस पावन पूजन की बेला में सभी लोग खड़े होकर के वांग्मय विग्रह के स्वरूप में श्रीमद्भागवत जी की सभी लोग खड़े होकर के मंत्र आरती में सभी लोग अपने स्थान से सम्मिलित होंगे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधादिभिः संपूज्य ओम चंद्रमाप्सुवन्दरासुपर्णो धावते दिवि रैं विसङ्गां बहुलां पुरस्पृत्य गुं हरिरेकक्कानिक्रदतो
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरणं मनसोपचारीप्रणमामि नमस्करोमि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आदर पूर्वक सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपने अपने सुनिश्चित जगह पर ही सभी लोग अपना आदर पूर्वक स्थान ग्रहण करें। श्री परमाराध्य ठाकुर श्री युगल बिहारी सरकार की महती पावन दिव्याति दिव्य अनुकंपा से, पावन कृपा से अखिल गुणगण संपन्न प्रसन्न पारिजात नवजल धरहारी कांतिहारी श्री वृंदावन बिहारी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन की महती दिव्याति दिव्य पावन अनुकंपा से, पावन कृपा से भारत भूमि के अखंड भूमि, भारत के पावन राजधानी के इस क्षेत्र में प्रशांत विहार के इस पावन पवित्र नगर अग्रवाल भवन में बैठ करके हम सभी लोग श्रीमद् भागवत जी को श्रवण कर रहे हैं। जब मानव जीवन के जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत अपने आप में वैष्णवों की परम संहिता है, संतों और भक्तों का परम धन है, परम निधि है। पाप ताप संताप हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में श्रीमद् भागवत जी का दिव्य सुंदर वास होता है, जिनके आंगन में सुंदर तुलसी होती हैं, जिनके यहाँ संत ब्राह्मणों का गो का आदर होता है, पूजन होता है, उनके यहाँ सदैव भगवान राधा कृष्ण की कृपा बनी रहती है। कल के पावन प्रसंग में हम सभी लोगों ने महाराज जी के अमृतमय वाणी के द्वारा दिव्य दिव्य सूत्रों को प्राप्त किया। ध्रुव जी के पावन प्रसंग को श्रवण करके हम सभी लोगों ने पावन शिक्षा प्राप्त की कि मानव के जीवन में दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक सुंदर नीत और एक सुंदर सुरुचि। तो जिसकी नीत सुंदर है, नियत सुंदर है, उसके यहाँ तो ध्रुव जी का आगमन होता है। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर अल्प समय में भगवत प्राप्ति किया। अब ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राजसुख लेकर के समस्त प्रजाओं की रक्षा की। ध्रुव जी के जीवन से हम सभी लोगों ने सुंदर दिव्य शिक्षा प्राप्त की। आइए आज के कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्री कृष्ण स्वामी सेवा समिति के तत्वावधान में जिस कथा का चतुर्थ दिवस है, आप लोग देश के कोने कोने में बैठ करके जय पारस चैनल के माध्यम से, जिनके अमृतमय वाग्धरा से बागवाणी से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे भागवत के परम विद्वान भागवत के मर्मज्ञ आचार्य पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री जी महाराज, जिनके अमृतमय वाणी में सरस्वती का साक्षात प्रादुर्भाव कथा के माध्यम से ज्ञान के माध्यम से हम सभी लोगों को प्रतीत होता है। तो आइए समस्त आयोजन समिति की ओर से, समस्त भक्तों की ओर से एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करें, वंदन करेंगे, भागवत जी को नमन करेंगे। भागवत जी को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए महाराज जी से निवेदन करें कि अपने अमृतमय वाणी के द्वारा ज्ञानमय वाणी के द्वारा हम सभी लोगों को कथा का सुंदर रसस्वादन रसपान श्रवण करा करके हम सभी के जीवन को पूज्य महाराज जी धन्य बनाएं। पूज्य आचार्य पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री जी महाराज,
बोले श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। श्रीराधे श्रीराधे सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रय मानुलेभ्य नमोस्तु चंद्रार्कमरोदगणेभ्यः ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदो तुम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कान्ते सितामृषतनिन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गम
श्रीराधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि श्रीराधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि श्रीराधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय सांचे दरबार की जय अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय 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 श्री राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदेश्वर तड़ित पीतांबरधारी अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांक्षा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंदकंद भगवान श्याम सुंदर के पावन सरसमयी परम मंगलमयी परम कल्याणमयी भगवत कथा के रसिक रसिक वृंद शक्ति स्वरूपणी देवियों श्री कृष्ण रसामृत सेवा समिति प्रशांत विहार रोहिणी दिल्ली के सभी हमारे प्रभु के सेवक वृंद विद्वत वृंद विप्र वृंद संगीतज्ञ कलाकार वृंद कथा प्रसंग को विराम दिया गया था। ध्रुव जी 6 महीने की साधना में प्रभु का साक्षात्कार प्राप्त किए, 36,000 वर्ष के लिए समस्त भूमंडल का राज्य सुख, अंत में वैराग्य हुआ और बगैर किसी को राज्यपाट सौंपे चले गए निवृत्ति मार्ग में। बच्चों को राज्यपाट सौंपे फिर जाके भजन करें, ऐसा नहीं। ध्रुव जी सोचते हैं जिसका राज है वो जाने, राज्य तो प्रभु का है, सारी व्यवस्था तो प्रभु की है, प्रभु को करना है कैसे करना है ये प्रभु का विषय है, हमारा आपका विषय नहीं। ध्रुव जी चले गए निवृत्ति मार्ग में बगैर राजा के राज्य का संचालन कैसे होगा। उनके 2 बेटे थे, एक तो ध्रुव से भी आगे थे साधना में अवधूत, दूसरे बेटे को राज्यपाट सौंपा गया। अलकनंदा के तट पर जाकर साधना करते हैं, चलने का समय आया, भगवान के पार्षद आ गए, उसी समय काल आया। ध्रुव जी ने काल से पूछा आप क्यों आए हो। महाराज आप विमान पर बैठकर जाओगे, बैठने के लिए सीढ़ी तो चाहिए, आप मेरे सिर पर पैर रखकर फिर विमान पर बैठो ताकि लोगों को पता चले जो भगवान के नाम का चिंतन करते हैं वो काल के गाल में नहीं काल के सिर पर पैर रखकर सीधे भगवान के धाम को जाया करते हैं। ध्रुव जी गए ध्रुवलोक, मार्ग में उनको माँ याद आई, सेवकों ने कहा आपके माँ का विमान आपके विमान से ऊपर है। ध्रुव ने कहा हे माँ आपके दिव्य सदुपदेश से मैं ध्रुवलोक जा रहा हूं। माँ कहती बेटा आपके जैसे लायक पुत्र को पाने के कारण आज मैं भी भगवान के धाम को जा रही हूं।
हमारे शास्त्र कहते हैं श्रोताओ, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते नौ अपार सचित सुख सागरे स्मिन लीनम परे ब्राह्मण यस्य चेता। वो कुल धन्य हो जाता है जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लेता है। परमात्मा से की प्रार्थना करना, प्रभु आप अपने किसी भक्त को भेज दो। क्यों? जहां भक्त है वहीं भगवान है, और जहां भगवान है वहीं भक्त। अपने भक्तों के चक्कर में पड़कर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। वो मां की कोख अमर हो जाती है जिसकी कोख में भगवान का भक्त आता है। वह भूमि अमर हो जाती है जहां ऐसे दिव्य बालक का जन्म होता है। हम और आप भी किसी के बेटे ही तो हैं, किसी की बेटियां हैं। एक सबरी है, मीरा है, सूरजी हैं, कबीर हैं, जिनको सब जानते हैं। एक हम और आप हैं कि वर्तमान में तो हैं, लेकिन हमको आपको जानता कौन है? क्यों? हम कभी अपने आप को प्रभु से जोड़ने का प्रयास ही नहीं किए। प्रभु के भक्त के साथ अपने आप को जोड़ लेते तब भी आप इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते। जीवन की क्रिया ऐसी हो, देखो भाई पेपर में छपना तो अच्छी बात है, नाम आए हर कोई खुश होता है, होना चाहिए। अच्छा पेपर में किसी दिन किसी की फोटो आ जाए तो पेपर मंगा के जरूर चेक करता हमारी फोटो आई है कि, और चार लोगों को बताता है कि मेरी फोटो आई है, अच्छी बात। लेकिन प्रयास करना इतिहास के पन्नों में आपका नाम अमर हो जाए। पेपर में तो किसी का भी नाम आ सकता है। हाँ पेपर में नाम आएगा तो एक फायदा है, कहीं सम्मान होगा और कहीं विशेष सम्मान होगा, कहीं कुत्ते भी मुंह चाटेंगे हमारा आपका। कैसे? मान लो पेपर में आपकी फोटो है और दुकानदार हलवाई ले लिया पेपर, अब पढ़ने के बाद क्या करेगा? उसको रखेगा तो नहीं। अब वो टुकड़ा फाड़ दिया, आप गए कि हमको जलेबी चाहिए, जलेबी की भक्ति जो होती अलग है, उसका भी रस अलग है। अब जलेबी तो आपको दे दिया पेपर में और आप खा के फेंक दिए, तो जो चाशनी लगी है पेपर में आपके फोटो के ऊपर, तो वो जब आएगा तो वो क्या करेगा बोलो? यही होगा। इसलिए प्रयास ये करना है हमारा नाम पेपर के पन्नों में आए, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन इतिहास के पन्नों में अमर हो ये और अच्छी बात है। इसके लिए अपने आप को हमको किसी भक्त के साथ जोड़ना पड़ेगा। ध्रुव जी गए ध्रुव लोक, जो इस प्रसंग का रसपान करते हैं प्रभु उन पर कृपा करते हैं, बांके बिहारी आप सब पर कृपा करें। ध्रुव जी के वंश में ही आगे चल के राजा अंग हुए हैं, जिनके यहां पुत्र बहन महान नास्तिक हुए। क्यों? देखो पिता उच्च कुल का हो लेकिन मां उच्च कुल की ना हो तो संतति विकृत हो जाती है। संतान अच्छी हो यदि मन में कामना है तो दोनों को उच्च कुल का होना चाहिए। और जहां वर्ण व्यवस्था बिगड़ी, वर्ण भेद बिगड़ा, तो वहीं संतति का क्रम विकृत हो जाएगा। यहां जो इनकी मां थी बहन की, वो मृत्यु की बेटी थी सुनीता, पुत्र पैदा हुआ महान नास्तिक। पिता समझाने का प्रयास किए, एक बार दो बार समझाए नहीं माने,
शांत हो गए, चले गए भगवान के चिंतन में, भगवान के मार्ग में। भगवान के परम भक्त अंग अपना कल्याण किए, बेन का इतना उपद्रव कि अंत में संतों को उसको मारना पड़ा। संत लोग मंत्र बल से मार दिए, मार तो दिए, लेकिन राज्य का संचालन कैसे हो, उसके शरीर का मंथन हुआ, उससे काला पुरुष प्रकट हुआ जिससे एक जाति बनी थी। भुजाओं का मंथन हुआ, पृथ्वी और अर्ची का प्रादुर्भाव। एक बात ध्यान रखना, इस संसार में कोई भी मानव हो, कैसा भी हो, लाख बुराई हो, लेकिन कुछ न कुछ उसके अंदर अच्छाइयां भी होंगी। हमें किसी की केवल कमी नहीं देखनी है, हमें उसके अंदर की अच्छाई देखनी है। दूसरों की कमी देखने का प्रयास मत करो। बुरा जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना मुझसे बुरा ना कोई। हमेशा एक दृष्टि बना के रखो, और आपकी जैसी दृष्टि होगी आपके जीवन पर उसका वैसे प्रभाव पड़ेगा। सारा खेल दृष्टि का तो है, जैसी रखो दृष्टि वैसे दिखे ये सृष्टि। इसलिए दृष्टि ठीक करो। कई बार लोग कहते हैं अमुक का समय खराब चल रहा, अमुक का समय खराब कभी नहीं, समय हमेशा अच्छा होता है, वो समय आपका नहीं है, समय का नियंता तो कोई और है। समय आपके अधीन नहीं है, आप समय के। जिस समय आपकी क्रिया दूषित होती है तो लगता है कि समय हमारा खराब हो गया है, लेकिन जिस समय क्रिया अच्छी होती है तो लगता है समय हमारा। तो सारा खेल आपकी क्रिया से जुड़ा हुआ है। इसीलिए संसारियों में भगवान के भक्तों में यही अंतर है। हनुमंतलाल कौन? भगवान के भक्त हैं। देखो जो समय के हाथ चलता है, जो समय के हाथ चलता है उसको इंसान कहते हैं, लेकिन जिसके हाथ पर समय चलता है उसको हनुमान कहते हैं। ऐसा क्यों? तो हनुमंतलाल की निष्ठा, हनुमंतलाल की भक्ति, हनुमंतलाल की प्रीति, भगवान की सेवा। देखो अपने इष्ट पर, अपने प्रियतम पर एक ऐसी दृष्टि बना लो, एक ऐसी निष्ठा बना लो कि कोई कितने गलत कहे मानने को तैयार नहीं। नहीं गलत नहीं, आपका प्रीतम भी कहे कि मैं गलत हूं, नहीं आप नहीं, आप गलत होते तो हम यहां ना होते भाई। यदि प्रियतम हमारा गलत होता तो हम यहां क्यों होते? उसके प्रति अपनी एक निष्ठा हो, एक विश्वास हो, वो अच्छा है बस। और जिस दिन ऐसा विश्वास लेके चल पड़ोगे, मैं व्यासपीठ से इस समय किसी का नाम नहीं लेता, बंद कर दिया हूं, नहीं लूंगा, लेकिन यहां कुछ ऐसे श्रोता हमारे भाई लोग बैठे हैं, गुरु के प्रति क्या निष्ठा होनी चाहिए, लोगों को ऐसे लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु बना लेना ही धर्म नहीं है, खाली दीक्षा ले लें गुरु बना ले कान फुकवा ले कोई मतलब नहीं। गुरु के प्रति निष्ठा है तभी उसका फल आपको मिलेगा, निष्ठा नहीं है तो कुछ मिलने वाला। श्रद्धा है गुरु के प्रति तो आपको ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया कह दे हमारा गुरु गलत है, लेकिन नहीं, मेरी दृष्टि में गुरु गलत नहीं हो सकता। क्यों? मेरे गुरुदेव गलत होते तो हम यहां ना होते। यदि हम भगवान के साथ जुड़ गए हैं, भगवान की सेवा में हमारा मन लग गया है, भगवान की कथा में हमारा मन है, तो गुरु गलत होते तो हमारा मन यहां लगता कैसे? गुरु के प्रति निष्ठा,
गोविंद के प्रति निष्ठा, सारा खेल तो उसी का है। और निष्ठा है तो सब कुछ है, निष्ठा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, आपके मन में एक ऐसा भाव हो कि संसार में कोई भी व्यक्ति सब अच्छा है, वो कौन क्या करता, जैसा करेगा वैसा भरेगा। बेन थे नास्तिक, पर उन्हीं के शरीर से पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु भगवान के अंशावतार कहे गए हैं, 24 अवतारों में पृथु जी का नाम आता है कि नहीं आता है? कौन से कर्म में है? बोले कर्म तो हम नहीं जाते, आता है। अरे ये कह देते कि नहीं आता तो शायद कह देते कि हो सकता है ना आता हो, ये भी तो समस्या है। पृथु जी को जब महाराज बनाया तो सोचते हैं प्रजा मेरे नाम की जय घोष इसलिए कर रही है कि मैं प्रजा का कष्ट दूर कर सकूं, और जिस राजा के राज्य में प्रजा शांत हो ऐसे राजा को नरक जाना पड़ता है। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवसि नरक अधिकारी। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा अशांत परेशान हो उसको कष्ट होता है। पृथु उठाए धनुष्मण, वसुंधरा का वध करने चल पड़े। वसुंधरा गाय का रूप बना के प्रकट हो गई। हे महाराज, मैं आपकी पुत्री हूं, तभी से नाम पड़ा पृथ्वी, वसुंधरा का एक नाम। पिता पुत्री की रक्षा करता, दंड नहीं देता, आप पुत्री बनती हो, सारे रत्नों को छुपा के रखी। बोले महाराज मेरा क्या दोष है, देखो मैं हूं गाय, मृत्युलोक का राजा है ग्वाला, धर्म है बछड़ा। जैसे गाय बछड़े को देख करके रस प्रकट करती है, उसी प्रकार राजा के राज्य में धर्म के लिए स्थान हो तो मैं भी रत्न प्रकट कर देती हूं। लेकिन आपके पहले जो शासक थे उनके जीवन धर्म के लिए कोई स्थान ही नहीं था। पृथु ने कहा मैं वचन देता हूं पूरे राज्य में यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ होगा। तो पृथ्वी ने कहा मैं भी रत्न प्रकट करूंगी। भगवान की सेवा कैसे भी करो महाराज, भाव से करो, कुभाव से, भय से या प्रेम से, कल्याण तो होगा ही होगा। इसलिए थोड़ा बहुत भगवान की सेवा भी, और मिलेगा तो सेवा से ही मिलेगा, सेवा से मिलता भाग्य नहीं मिलता, मांगने से कुछ नहीं मिलता। मांगने को मांगते रहो और सेवा करना शुरू कर दो तो मांगना नहीं पड़ेगा। और ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि महाराज सेवा से सब कुछ प्राप्त कर लिए और उनमें इतनी ताकत आ जाती थी कि वो किसी की भी रक्षा करने के लिए ऐसे हाथ उठा दें तो किसी की मजाल क्या कि कोई छू दे। एक संत के बारे में हमको पता चला था, संदास जी महाराज, अभी हम गए थे राजस्थान में हरसोली, वहां की महिमा बता रहे थे लोग कि ऐसे भी लक्षण थे साधक कि मुगलों का जब आक्रमण हुआ, वहां जो सनातन संस्कृति के लोग थे डर गए, संत के पास गए, संत ने कहा चिंता मत करो, ऐसे हाथ किए सब के सब अस्त व्यस्त हो गए। तभी से उनकी वहां सेवा उस क्षेत्र में बहुत होती, एक से एक साधक हैं। साधकों के अंदर क्या ताकत है हम लोग इसको समझ नहीं पाते, क्यों हम उनको अपनी दृष्टि में देखते हैं, अपने विवेक से तौलते हैं। जब अपने से श्रेष्ठ मानेंगे हम तो उनके लिए हर कार्य अपने से अच्छा करेंगे। कई भक्तों को देखता हूं कि अपने गुरु के लिए, अपने संतों के लिए यदि वो 2 रुपए कपड़ा पहनते हैं तो गुरु के लिए 4 रुपए का ले जाते हैं,
और कई ऐसे भी सेवक होते हैं कि 10,000 का पहनते हैं और गुरु के लिए बोले 5 रुपया वाला ले चलो, गुरु जी के लिए जाना। अब फिर वो चाहते हैं कि गुरु जी सारा आशीर्वाद हमें लुटा दे, तो सारी भावना तो आपकी वहीं प्रकट हो गई। एक बार कहीं की बात है, किसी वक्त क्या मैं कहीं गया था किसी शहर में, दिल्ली की बात नहीं बाहर की, तो व्यापार करते थे बुलवाए में चला गया। अब वहां कुछ लोग आए तो बोले कथा करवानी है गुरुजी के लिए कपड़ा, और मैं बैठा हुआ था वहीं, वो दुकानदार हंसने लगा देख, वो क्या कर रहा कि अपने लिए टॉवल ले रहा 500 रुपए की 1,000 की, और गुरुजी के लिए निकाल, अरे नहीं नहीं गुरुजी के लिए हल्की वाली, गुरुजी के लिए भारी कपड़ा ठीक नहीं होता, अच्छा हल्का लगता, स्वयं में 500 का पहन लेंगे तो भारी नहीं है, गुरु पहन लेगा तो भारी है। ये इतनी हंसी आई हमने कहा बताओ, और वो ऐसा गमछा लेके गया था टावल कि उसमें से महाराज आटा भी डालो और छानो तो चोकर से नीचे गिर जाएगा, और लेके गया गुरुजी के पास चढ़ाने, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो, तो गुरु ने भी कह दिया कि ले जैसी तेरी भक्ति वैसे तेरी शक्ति। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम, आप जिस भाव से जैसे भजोगे बाबा मैं तो आपको भी, यदि मान लो आपके यहां आचार्य ब्राह्मण आते हैं, आप उनको अच्छे वस्त्र दिए, वो जहां भी धारण करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी चर्चा तो करेंगे ना, क्या मुख जगह गए और जब तक उस वस्त्र को पहन के धारण कर वो कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन समस्या यह कि ब्राह्मणों को अच्छा देने में समस्या है, यहां तो नहीं है, यहां तो लुटाते हैं लोग, यहां की बात नहीं कर रहा, और जो लुटाता है वही लुटता है। आपको लुटने की इच्छा तो पहले लुटाओ, आप खाना चाहते तो पहले खिलाओ, जो खिलाता है वही खिलखिलाता है, वही हंसता वही खाता है, जो केवल खाता है वो बैठ के रोता है। पूरे राज्य में यज्ञ अनुष्ठान शुरू, प्रजा खुशहाल, तब पृथु जी यज्ञ किए, सवा यज्ञ करने लगे, इंद्र अश्व की चोरी के लिए आए, पृथु के बेटे पराजित किए, उनका नाम पड़ गया विश्वजीत, उनका नाम विश्वजीत पड़ा। इंद्र लज्जित हुए, भगवान पृथु की गिशाला में प्रकट हुए, पृथु शरणागत हो गए, प्रभु ने कहा पृथु मुझसे कुछ मांग लो, पृथु जी ने कहा आप इतना कुछ दे चुके हो कि ज्यादा मुझे और कुछ चाहिए क्या, कहते हैं सुनो, न कामयेना तदाप्यहं क्वचिन न यत्र यशमाचरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर हृदयन मुखच्युतो विधत्स्व करणायुतमे समेवरः। हे प्रभु आप इतना कुछ दे दिए मैं उसी को नहीं चुका पाया। किसी साधक ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया, एक लाइन उसको सुनाऊंगा तेरी कृपा का, तेरी कृपा का प्रभु जी है बोझ इतना। मैं तो हमेशा ये ध्यान रखता हूं मेरे बांके बिहारी की कितनी कृपा है, मेरी राधे कृष्ण का कितना फल है कि ना भोजन की चिंता है, ना वस्त्र की चिंता है, ना रहने की चिंता है, ना हल चले न चले कुदारी बैठे भोजन दे मुरारी, तो कौन दे रहा है, मेरा बांके बिहारी मेरी राधे।
तेरी कृपा का प्रभु जी है बोझ इतना, जिसे हम उठाने के काबिल नहीं है। तेरी कृपा का प्रभु जी है बोझ इतना, जिसे हम उठाने के काबिल नहीं तेरी कृपा का प्रभु जी है बोझ इतना, जिसे हम उठाने के काबिल नहीं है। तेरी कृपा का प्रभु जी है बोझ इतना, जिसे हम उठाने के काबिल नहीं है। जो कुछ दिया प्रभु जी आपने दिया है, जो कुछ दिया प्रभु जी आपने दिया है, जो कुछ दिया प्रभु जी आपने दिया है, वो हम बताने के काबिल नहीं है, वो हम बताने के काबिल नहीं है। तेरी कृपा का प्रभु जी है बोझ इतना, जिसे हम उठाने के काबिल नहीं है। तेरी कृपा का प्रभु जी है बोझ इतना, जिसे हम उठाने के काबिल नहीं है। देखो, यदि आप लोग यहां बैठे हो तो आपके ऊपर किसकी कृपा है, बोलो किसकी है? ये कृपा गुरु की है, प्रभु की कृपा मानव का तन, और गुरु की कृपा सत्संग। गुरु की कृपा सत्संग, सत्संग का फल भक्ति, और भक्ति का फल भगवान का साक्षात्कार। जे गुरु चरणा रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। जे गुरु चरणा रेणु सिर धरही, ते जनु सकल है विभव बस कर। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों को जो सत्संग की मस्ती है, कन्हैया दे रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है, पर माध्यम तो किसी को बनाता है ना। माध्यम कौन है? क्या सीधे सीधे कन्हैया आया है क्या? माध्यम तो बनाया है ना, और उसी माध्यम से हमको आगे चलना है। व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई माध्यम तो होता है। इस शरीर में जो कुछ भी है, माध्यम कौन है? मेरा कन्हैया, मेरी राधे, अपना कुछ नहीं है। लेकिन जिस पात्र के माध्यम से रस निकलता है, कहीं ना कहीं उस पात्र को भी सिर में रखते हैं, उस पात्र का भी हम आदर करते हैं। Thank you.
पृथु जी ने कहा महाराज आप मुझसे कहते हो कुछ मांगो, क्या मांगो? आप इतना कुछ दे चुके हो कि मैं उस ऋण को तो उतार नहीं पाया, मैं ज्यादा लेके क्या करूंगा महाराज? भगवान ने कहा कुछ इच्छा हो मांग लो। तो ठीक है प्रभु, एक कृपा करो, क्या आप देना चाहते हो? तो मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान मुस्कुराए, 10,000 कान? पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएंगे? बोले मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन जो रस मुझे आपकी कथा में मिलता है कहीं और नहीं मिलता, और दो कानों से कथामृत का रस पान करता हूं तो तृप्ति नहीं होती। कथा के रसिक तो बनो। अब व्यवस्थापक में तो दौड़ना पड़ता, हमारे जो भाई लोग व्यवस्थापक है उनकी मजबूरी है, जाना भी चाहिए, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कथा में बैठने का। प्रयास ये करेंगे सारी व्यवस्था कथा के पहले हो। क्यों? हम लोग आयोजन कर रहे हैं कथा रसपान के लिए, और जब उसका अवसर आता है तो हम जब भाग देंगे यहां वहां, रस तो मिलेगा नहीं, तो खाली दौड़ते रहेंगे। कितने जन्म तक दौड़ते रहेंगे ऐसे? एक वर्ष का इंतजार करके हम लोग जब आते हैं उसके पहले ऐसी व्यवस्था, या एक दो लोगों को अलग से रख दें कि भैया तू 200-400 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कोई काम हो तो कर, लेकिन मुझे 7 दिन फिर 4 घंटा बैठ के कथा का आनंद लेना है, तब तो ये रस आपके अंदर आएगा। अब कौन सा रस आपका कल्याण करने वाला है? आपका मोबाइल बीच में आ गया, मजबूरी, जाओगे, आपकी मजबूरी है, व्यवस्था में देखना पड़ेगा। तो मैं अपने भाइयों को एक सुझाव जरूर दूंगा कि अगली बार से ऐसा एक क्रम बना लें कि एक दो फालतू व्यक्ति रख लें व्यवस्था के लिए, सारी व्यवस्था पहले, कथा में एकदम शांत, उसका आनंद अलग होगा, क्योंकि हम लोग इसी के लिए तो आते हैं यहां। अब पता चला कि जो 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं यहां वहां प्रतीक्षा में, जब प्रसंग का समय आया तो हलो हलो करते भागना पड़ा, यहां चले गए, वहां चले गए, यहां जा रहे हैं, सारी व्यवस्था बिगड़ गई। कौन सा रस, कौन सी बूंद हमारा कल्याण कर दे, किसी को कुछ पता नहीं है। बरसात में कितनी बूंदें आती हैं, लेकिन जो चातक है उसके लिए तो एक ही नक्षत्र काम का है, स्वाति। उसी प्रकार श्रोताओं, देवियों, सज्जनों, आप लोगों के काम का कौन सा प्रसंग है, अब इस बात को एक एक व्यक्ति को बताना संभव नहीं है। आपके कल्याण के लिए देखो, सब्जी तो एक ही है, अलग अलग नहीं है, पर किसी को आलू पसंद है तो किसी को आलू दम, क्या बोलते हैं वो, दम देता, उसमें क्या होता है, आप किसी को वो पसंद है, किसी को करेला पसंद है, किसी को घिया पसंद है तो किसी को तोरई पसंद है। अब है तो सब सब्जी ही, एक ही मिट्टी से आ रही है, पर मान लो जिसको दम आलू खाना हो और मिल जाए उसको तोरई, अरे मूड खराब हो गया, है तो सब्जी ना। उसी प्रकार कथानक वही है, प्रसंग वही है, पर कौन सा प्रसंग किसके लिए है ये समझ से परे हो जाता है। इसी के लिए हमारी एक लालसा रहती है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग, हमारे आयोजक लोग, ज्यादा से ज्यादा कथा के अंदर रहें। क्यों? ये शब्द पता नहीं कब कैसे आकर के हमारा मानस पटल, इसी में कल्याण होना। पृथु जी महाराज वरदान मांगे, भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन दो कानों में शक्ति दे दूंगा। इसके बाद भगवान की स्तुति, अंतर ध्यान होते हैं। पृथु अपने बच्चों को राज्यपाट सौंप कर चले गए निवृत्ति मार्ग में। पृथु जी का शरीर छूटा, महारानी अर्चुन के साथ सती हुई, प्राचीन बरी कर्मकांड में उलझे थे, नारद जी आकर के समझाए, उनका कल्याण हुआ। प्रचेता गणों को आक्रोश, वन में आग लगाए, चंद्रमा के द्वारा रक्षा। आप लोगों को मैं शायद बता चुका हूं पहले भी, अमावस्या तिथि पर कभी भी किसी वृक्ष की शाखा को तोड़ना
नहीं चाहिए। ये बताया था ना, याद है, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? बस जयराम जी की, कारण क्या है? उसमें चंद्रमा का निवास होता है, अमावस्या तिथि पर वृक्षों में चंद्रमा का निवास होता है, और हमारे मन के देवता हैं चंद्रमा। अमावस्या तिथि पर वृक्ष की शाखा को तोड़ोगे तो आपका मन और ज्यादा अशांत रहेगा। अब ध्यान रहेगा कि नहीं? बोले आप बताए थे ध्यान था, एक जगह हम गए, बोले सब ध्यान है, तो बताओ। नहीं नहीं आप पहले बताओ ना, फिर मैं तो बता ही दूंगा। कितना चतुर है, बोले हाँ याद है हमको, सब ध्यान है, पर आप पहले बताओ। मैंने कहा पगले, जब मैं बता दूंगा तो सुन के बोले ना देगा, जब तुझे सब याद है ध्यान है बोलना। नहीं 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 वो आपके ही मुख से अच्छा लगता है, मैं बोलूं तो। बड़े समझदार लोग होते हैं वो, क्या है ना, कुछ ऐसी बातें होती कि आपके मुख से अच्छी लगती। आप बोले पता हमको भी है, याद है, पर आप बोले तो। तो ऐसे याद करोगे तो कल्याण हो जाएगा। पुरंजन नाम का जीव पुरंजनी भगवान की माया के चक्कर में बोल जा, भगवान ब्राह्मण वेश में आके समझाए कल्याण किए। आइए पंचम स्कंद की कथा का सांकेतिक दर्शन करें और नंदोत्सव की झांकी 7 बजे यहां आ जाएगी, ध्यान रखेंगे उसका, आज उस क्रम को लेकर चलेंगे। 7:30 के बाद कट मार देते हैं, वैसे उन्होंने कहा था कि 8 तक करूंगा, पर चलिए उनकी एक व्यवस्था है, वो बात की बात है, फिर वो तो बाद में बात करेंगे उनसे, हम प्रभु का विषय है। तो हम तो किसी का शब्द ही सुना करते हैं, बाकी चीजें नहीं, हम शब्द पर विचार करते हैं, उससे कौन क्या बोलता है। तो कृष्ण का विषय है, चलिए आइए आगे एक प्रसंग देखते हैं।